हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा क्राउन इथर। ओके, तो देखिए क्राउन इथर पे हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है। डेफिनेशंस पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्राउन इथर पढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि वो ये कि देखिए आप चीजों को ना रिलेट करते हुए पढ़िए। रिलेट करते हुए पढ़िए मतलब देखिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो पे जब हमने इंक्लूजन कंपाउंड पढ़ाया था, मैंने आपको बताया कि साइक्लोडेक्सट्रिन, जो आपको एक सेपरेट टॉपिक करके दिया हुआ है, वो क्या है, इंक्लूजन कंपाउंड में ही केस टाइप इंक्लूजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर आप इंक्लूजन कंपाउंड में उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप साइक्लोडेक्सट्रिन को भी मतलब चीजों को रिलेट करते, दोनों एक ही चीज तो है, उनको पढ़ेंगे तो आपको क्या है, एक ही बारी में दोनों चीजें टॉपिक दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं क्राउन इथर में बताऊं तो आपका क्रिप्टेंट्स करके एक दूसरा टॉपिक भी है। तो क्राउन इथर और क्रिप्टेंट्स क्या है, दोनों सेम चीजें होती हैं, लेकिन क्या इनके बीच में एक माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो मैं आपको क्रिप्टेंट्स वाली वीडियो पे बताऊंगी, बट मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए अगर आपको पता है तो क्राउन इथर पे जैसे आप बोलेंगे कि एक मोनोसाइक्लिक यूनिट है, यानी कि एक सिंगल साइकिल से यूनिट से बना होता है क्राउन इथर, लेकिन जो हमारा क्रिप्टेंट्स होता है वो पॉलीसाइक्लिक है, यानी कि मोनो भी हो सकता है, पॉली भी हो सकता है और साइक्लिक भी हो सकता है, असाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे क्राउन इथर की कैटायन के साथ बाउंड करने की टेंडेंसी होती है, क्रिप्टेंट की कैटायन और एनायन दोनों के साथ होती है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, रिलेट करते हुए चलेंगे तो एक ही बारी में दोनों चीजें आप कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बस वो ही बताना था। वैसे आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं, जो है हमारा क्राउन इथर। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी चीजें स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा माइंड में क्राउन इथर का इमेजिन बना लो, इमेज बना लो आप, ताकि जब हम चीजें पढ़ें तो आपको आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, तो क्राउन इथर क्या होता है, आप ऐसा समझो कि क्राउन इथर क्या है ना, ईथर यूनिट है। ईथर यूनिट क्या होती है, आर ओ आर की यूनिट हमारी क्या होती है, ईथर होती है, यानी कि यहाँ पर को कार्बन के साथ क्या है, एक हेट्रो एटम होता है। हेट्रो एटम यानी कि यहाँ पर को क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई अगर नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये हमारे हेट्रो एटम होता है। तो ईथर के केस में हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ईथर यूनिट जब बार बार अटैच करते हैं, बहुत सारी ईथर यूनिट जब एक दूसरे से लिंक करती है तो एक साइकिल बनाती है, लेकिन वो साइकिल क्या होती है, मोनोसाइक्लिक होती है, यानी कि एक सिंगल साइकिल यूनिट बनाती है। अब क्या होता है, क्राउन ईथर जो ईथर्स होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है, जैसे अभी मैंने बताया कि ये क्या है, कैटायन के साथ बॉन्ड बना सकती है, यानी किसी मेटलिक कैटायन के साथ लिंक करती है। तो जब ये मेटलिक कैटायन के साथ लिंक करती है, मेटल के साथ बाउंड करती है, तो ये क्या होता है, क्राउन की तरह अपेयर होती है, इसलिए इसको हमने क्राउन ईथर बोला। ठीक है, तो आप इमेजिन क्राउन ईथर की ऐसी इमेज बना लीजिए कि ये क्या है, क्राउन ईथर की यूनिट है जिसपे क्या है, मेटल भी बाउंड है, मेटल के साथ ईथर बाउंड है और वो क्राउन की तरह अपेयर कर रहा है, तो उसे हम क्राउन ईथर कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि क्राउन ईथर आर द मोनोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्राउन ईथर क्या है, एक मोनोसाइक्लिक सिंगल साइकिल की यूनिट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंटेन करती है सेवरल ईथर ग्रुप को, इसी को हम क्या कहते हैं, क्राउन ईथर कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है और इस पे लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर आर द इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम ईथर यूनिट यूज करते हैं उसको, वो ईथर यूनिट क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल की यूनिट होती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है मोनोसाइक्लिक पॉली ईथर, पॉली ईथर यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि एक सिंगल यूनिट तो नहीं है ना इस साइकिल में, ये जो साइकिल बन रही है वो एक सिंगल ईथर यूनिट से तो बन नहीं रही है, बहुत सारी ईथर यूनिट जुड़ी है, इसलिए हमने बोला पॉली ईथर। ओके, तो मोस्टली केसेस पे, मोस्ट ऑफ द केसेस पे जो ईथर यूनिट हम यूज करते हैं वो कौन सी ईथर यूनिट होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल की, जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। इतनी चीज क्लियर हुई। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू क्राउन ईथर देखेंगे। वो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले ये बोल रहा है कि 1967 में चार्ल्स जी पैडरसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइक्लिक ईथर को ऑब्टेन किया था एज अ बाय प्रोडक्ट। मतलब क्या है, ये किसी और चीज पे वर्क कर रहे थे लेकिन इनको क्या है, वहां पर जो बाय प्रोडक्ट मिला वो था इनका साइक्लिक ईथर। ओके, अगली चीज बोल रहा है, अगर हम लोग साइक्लिक ईथर की नेमिंग करेंगे, देखिए साइक्लिक ईथर को अगर हमने नेम देना है, हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे नाम देंगे। देखिए अगर मैं पहले बताऊं तो इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर को कर लिया एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर को आप लिखेंगे क्राउन, साइक्लिक ईथर कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्राउन ईथर का नाम कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे एन्यूलिन में हम लोग करते थे ना, यहाँ पर को नंबर दिखाते थे कार्बन के, वैसे टाइप का एक्स क्राउन और यहाँ पर को वाई आएगा। ठीक है, ये जो एक्स है वो ब्रैकेट पर होगा। तो यहाँ पर लिखा है When naming the crown ether, जब हमने crown ether का naming करनी है, the first number, जो पहला number होगा, यहाँ पर भी number होगा कुछ, यहाँ पर भी number होगा, जो पहला number है, the first number of the name represent the number of atom present in a compound, यानी कि जो ये x है, वो क्या represent करेगा, number of atom किसी compound में, जो ether का compound है, उसमें कितने number के atom present है, and then while the second number refer the number of oxygen atom in a compound।
तो जो सेकेंड नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ हम लोग ऑक्सीजन क्यों कह रहे हैं, यहाँ हेट्रो भी हो सकता है, हेट्रो एटम भी हो सकता है, लेकिन ईथर के केस में क्या है, ईथर आर ओ आर होता है ईथर यूनिट, यहाँ पर को सिर्फ क्या है ऑक्सीजन यूनिट एज अ हेट्रो एटम, यहाँ पर को हेट्रो एटम सल्फर तो नहीं है ना, यहाँ पर को आर ओ आर होता है यानी कि ऑक्सीजन है, हेट्रो एटम क्या है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, वो हमारे वाई रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि आपने क्या करना है नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, देन आप लिखेंगे क्राउन एंड देन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन को काउंट करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो ही लिखा है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ एक्स वाई क्राउन, यानी कि एक्स को आपने ब्रैकेट पे डालना है एक्स क्राउन वाई, ठीक है। और जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ रिंग एंड देन वाई रिप्रेजेंट करेगा ऑक्सीजन एटम को, ओके इतनी चीज आ रही। अगली चीज देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये कुछ क्राउन ईथर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, हम एक दो करेंगे देन आप खुद से करना है, कैसे निकालना है वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम काउंट करना है, इस स्ट्रक्चर पे नंबर ऑफ एटम काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4, ऑक्सीजन भी तो एटम में ही आएगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12, इसको हमने डाला ब्रैकेट में, देन हम लिखेंगे क्राउन एंड देन क्या करेंगे यहाँ पर को नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हम इसे लिखेंगे 4, ओके। तो ऐसे आपको क्या करनी है, इनकी नेमिंग करनी है, और आप ये नेमिंग खुद से करिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है देन बताइए, वैसे सिंपल है, इतना तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को काउंट करना है, देन उसे ब्रैकेट पर करके क्राउन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन को, यहाँ पर को ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट पे हेट्रो एटम लिख देना, ठीक है, ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं है, अगर के दूसरे केस में तो यहाँ हेट्रो एटम आएगा, देन हमने लिख दिया यहाँ पर को 4 हेट्रो एटम, ओके। तो ये है हमारे कॉमन क्राउन ईथर्स, ओके। अब देखिए आगे यहाँ पर को लिखा है, क्राउन ईथर हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अ पॉजिटिव चार्ज आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो क्राउन ईथर की ये टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि क्राउन ईथर जैसे होते हैं वो तो कैटायन के साथ, यानी कि कैटायन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेकिन जो हमारे क्रिप्टिन्स होते हैं वो किसके साथ, कैटायन है ना, दोनों के साथ कंबाइन करते हैं, तो वही बोल रहा है। अगला बोल रहा है, द बाइंडिंग ऑन दीज कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हेट्रो एटम एंड द आयन। अभी हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे आयन्स होते हैं, हमारे कौन से आयन, मतलब कि जो हमारे देखिए अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन मैं आपको ये बता दूंगी, ये लाइन समझाती हूँ, ठीक है। अब ले बोल रहा है कि दीज आर नेम्ड एज अ क्राउन ईथर बिकॉज इन दीज, देखिए मैंने स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, देखो आप ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर कोई क्राउन ईथर है, ये है 12 क्राउन 4, तो यहाँ पर लिखा है 12 क्राउन 4 जो है इसकी टेंडेंसी है कि कौन से कैटायन के साथ लिंक करे, लिथियम कैटायन के साथ लिंक करे, लिथियम मेटल कैटायन के साथ लिंक करता है। और जो 15 क्राउन 5 है ये इसकी टेंडेंसी है कि सोडियम जो मेटल कैटायन है इसके साथ लिंक करता है, और 18 क्राउन की टेंडेंसी है कि पोटेशियम के साथ लिंक करता है, ठीक है। अब लिंक कैसे करेगा, हम पहले यहाँ पर डायग्राम पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपाउंड का नाम क्या हमारा, 12 क्राउन 4, ओके एक का देख लेते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो देखिए प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम देखने, कितने 4 ऑक्सीजन एटम, 1 2 3 4। अब इस पे क्या करना है, 12 क्राउन यानी कि 12 एटम है, तो आपने क्या करना है, पहले ऑक्सीजन एटम बनाइए, देन ऑक्सीजन एटम से क्या कर देना है, यहाँ पर को सारे ऑक्सीजन एटम के बीच में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देना है। इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम है, ठीक है, इस पे भी क्या है, 2 कार्बन एटम है, इस पे भी क्या है, 2 कार्बन एटम है, इस पे भी क्या है, 2 कार्बन एटम है, ठीक है। तो 2 2 2 2 यानी कि 8 कार्बन एटम यहाँ हो गए, 9 10 11 12 टोटल एटम हो गए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि 12 क्राउन 4 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। अब बोल रहे 12 क्राउन 4, तो स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इनकी टेंडेंसी होती है कि लिथियम आयन के साथ बॉन्ड करता है, यानी कि ये यहाँ पर को क्या दिखा देंगे आप, लिथियम को, और लिथियम को एज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि लिथियम आयन यानी कि सिर्फ कैटायन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इतनी चीज क्लियर हो रही, कैटायन के साथ। तो देखो अब हम उस पॉइंट स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, ऐसे आप 15 क्राउन 5 का ही बना सकते हैं। 5 आपने क्या बनाना है, ऑक्सीजन एटम, कैसे देखिए 1 2 3 4 5 बनाएंगे, देन इनके बीच में क्या है, ऐसे कार्बन लगा देंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके। तो 2 कार्बन यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी कि 5 के बीच से 2 2 आ जाएंगे, एंड देन 5 आपके पास एटम होंगे, तो ओवरऑल आपका 15 बन जाएगा, ठीक है, 15 क्राउन 5, ओके। तो इसकी बॉन्डिंग किसके साथ दिखाएंगे, सोडियम के साथ, तो 15 वाले सिर्फ सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए
ये बोल रहा है द बाइंडिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द हेट्रो एटम एंड द आयन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, हेट्रो एटम और आयन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन तो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, कार्बन के बीच साथ तो ये मेटल आयन बॉन्ड नहीं बना रहे, किसके साथ बना रहा है, हेट्रो एटम के साथ। तो ये बोल रहा है हेट्रो एटम और जो आयन है यहाँ पर को जो बॉन्ड बना रहे हैं इसकी वजह से आयन डाइपोल इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है किसके बीच में, हेट्रो एटम और आयन्स के बीच में। ओके एंड ये वाला पॉइंट में ये बोल रहा था कि दीज आर नेम्ड एज अ क्राउन ईथर बिकॉज दीज कॉम्प्लेक्स आर बाउंडेड टू अ मेटल एंड दे आर रिसेंबल टू द क्राउन प्रेजेंट इन अ पर्सन है। तो ये क्या है, जब ये क्राउन ईथर जो है वो मेटल के साथ लिंक कर रहा है तो उस टाइम पे ये क्या है आपको ऐसे अपेयर हो रहा है जैसे ये क्या है क्राउन है, जो कि क्या है किसी इंसान आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, पर्सन आपसे छोटा है, ठीक है, आप उसके ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्राउन जैसा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्राउन ईथर पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, देखिए क्राउन ईथर हैज अ होस्ट गैस रिलेशनशिप। होस्ट गैस रिलेशनशिप हमने कहा पढ़ी थी, इंक्लूजन कंपाउंड में हमने क्या बोला, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक कंपाउंड तो होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरा गैस की तरह एक्ट कर रहा है, तो होस्ट के सर्फेस पे कुछ ना कुछ कैविटी होती है जिसकी वजह से वो गैस मॉलिक्यूल के अपने ऊपर चिपका देता है, लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, वो बस चिपकाता है। तो वही बोल रहा है कि क्राउन ईथर में भी होस्ट गैस रिलेशनशिप होता है, यानी कि इसमें भी कोई होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है और कोई गैस की तरह एक्ट कर रहा है। कॉमन सी बात है, कौन करेगा, ये ट्रैप हो रहा है लिथियम, मतलब कि यहाँ पर जो मेटल आयन है वही तो ट्रैप हो रहा है, मेटल आयन को ही तो हम लोग ट्रैप कर रहे हैं, तो मेटल आयन जो है वो एज ए किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, को गैस की तरह एक्ट कर रहा है, और जो पूरा क्राउन है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्राउन एक्ट कर रहा है एज अ होस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई, तो यहाँ भी होस्ट गैस रिलेशनशिप है, जो कि होस्ट है क्राउन एंड जो गैस है वो हमारा मेटल आयन। ओके इतनी चीज क्लियर हो रही है ना, चीजों को साफ साफ समझिए, ठीक है। तो क्राउन ईथर हैज अ होस्ट गैस रिलेशनशिप और वी कैन से दैट द क्राउन ईथर Host guest relationship is also exist in which the crown act as a host and the ions act as a guest. Okay, इतनी चीज हुई। अगला बोल रहा है the ability of a host molecule, जो host molecule है, जो crown है molecule to bind with the gas molecule is very specific. यानी कि इन दोनों की जो binding है वो specific है, तभी तो मैंने आपको ये बताया कि 12 crown जो है, जो 12 crown ether है वो सिर्फ lithium metal ion के साथ ही bound कर सकता है, 15 वाला सिर्फ Na के साथ ही करेगा, सोडियम के साथ ही करेगा, और 18 वाला सिर्फ पोटेशियम के साथ, ऐसा नहीं कि 12 वाले ने पोटेशियम के साथ कर दिया। तो ये क्या है, स्पेसिफिक होती है, इनकी बाइंडिंग क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, इसीलिए हम इसे मॉलिकुलर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, मॉलिकुलर रिकॉग्निशन भी कहते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इस टाइप के कंपाउंड को मॉलिकुलर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ओके इतनी चीज क्लियर हुई, ये थे हमारे पॉइंट्स, ठीक है। देन आपने नॉमेनक्लेचर करके एक्सप्लेन करना है, नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया दिया हमने क्या करना है, द क्राउन इधर आर डिजाइन एज आईपैक के अकॉर्डिंग इनका ये नाम है, जैसे एन्यूलिन में भी तो आयोपेक के अकॉर्डिंग होता है, इनका नाम ये आयोपेक ने दिया था और इसको हम नोटेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका शॉर्ट में नाम होता है एक्स क्राउन, ये सिक्स का मतलब लिखना, ठीक है, एक्स क्राउन वाई, और यहाँ पर को एक्स आपने इस मॉलिक्यूल का लिखा है तो इसका मतलब इसमें क्या है 18 तो एटम है, जिसमें क्या है सिक्स हमारे क्या है हेट्रो एटम, यानी कि इसके केस में, ईथर के केस में क्या है ऑक्सीजन है। इतनी चीज क्लियर हुई, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके देन हम आगे बढ़ते हैं, इस पर लिखा है द फर्स्ट नेम डिनोटेड द साइज, पहला नाम साइज डिनोट करता है कि कितने नंबर के एटम है, एंड द सेकेंड नेम नंबर है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ रिंग। ओके अब देखिए, अब यहाँ पर कोई अलग चीज लिखे कि इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन अदर हेट्रो एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमने क्या है वहां पर एक्स इज इक्वल टू हमने बोला हेट्रो एटम लिखना, ऑक्सीजन नहीं लिखना, हेट्रो एटम कुछ भी हो सकता है, ईथर में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन के बदले दूसरे हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सल्फर नाइट्रोजन ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखिए सल्फर को हम लोग थायो कहते हैं, थाया इसका क्या होता है, हम इसको सल्फर अगर हेट्रो एटम में प्रेजेंट है इसे थायो कहते हैं, और क्या होता है नाइट्रोजन को हम कहते हैं एजा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा थाया क्राउन ईथर और एजा क्राउन ईथर, समझ में आया। सल्फर का नाम होता है अगर सल्फर एज अ स्पेसिफिक हम सल्फर कहते हैं, लेकिन सल्फर अगर हेट्रो एटम की तरह एग्जिस्ट करता है तो हम इसे बोलते हैं थायो, ठीक है। तो अगर सल्फर की वजह से जो क्राउन ईथर बनेगा हम उसे बोलेंगे थाया क्राउन ईथर, और अगर नाइट्रोजन की वजह से कोई हेट्रो एटम बनेगा तो नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा, तो इसको बोलेंगे एजा क्राउन ईथर। ओके तो ये है सल्फर क्राउन, सॉरी ये है थाया क्राउन ईथर, इसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हमने बोला थाया क्राउन ईथर, इसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो हमने बोले इसे एजा क्राउन ईथर। चीजें क्लियर हो रही ना, अब हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस पे, क्राउन ईथर के क्या क्या एप्लीकेशंस होती है जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्राउन ईथर कैन एक्ट एज अ लिगेंड्स, ये लिगेंड्स की तरह भी एक्ट करता है, इसका हेल्प यूज होता है एस्टरिफिकेशन में, सोपनिफिकेशन में, एनहाइड्रेस फॉर्मेशन में,
पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्राउन ईथर एक्ट एज अ कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइल फॉस्फेट एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटो फॉस्फेट। ठीक है, अब ये तो याद करने वाली चीज है, अब इसको तो मैं कैसे समझाऊं आपको। ठीक है, लेकिन हम आगे दो रिएक्शंस लिखी हुई है थोड़ा टीचर को इम्प्रेस करने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है एस्टरीफिकेशन में, तो क्राउन ईथर का यूज किया जाता है एस्टरीफिकेशन में। ठीक है, एस्टरीफिकेशन में कैसे, यहाँ पर लिखा है द क्राउन ईथर कैन बी यूज फॉर द एस्टरीफिकेशन। तो यहाँ पर लिखा है प्री ब्रोमो फिनाइल एसाइल एस्टर कैन बी प्रिपेयर। हमने कौन सा एस्टर प्रिपेयर, एस्टरीफिकेशन में हम लोग एस्टर ही तो प्रिपेयर करेंगे, तो एस्टर कौन सा है, एस्टर पी ब्रोमो फिनाइल एसाइल एस्टर जो है वो प्रिपेयर होगा बाय द रिएक्शन ऑफ पी ब्रोमो फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड विद द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, 18 क्राउन 6 की प्रेजेंस में। यहाँ पर को किसकी, देखो एस्टरीफिकेशन में इसका यूज किससे हो रहा है, ये तो रिएक्शन ही है, ये तो एस्टरीफिकेशन हो रहा है, लेकिन जो एस्टरीफिकेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, क्राउन ईथर। कौन सी क्राउन ईथर की, 18 क्राउन 6 जो हमारा क्राउन ईथर है इसकी प्रेजेंस में, और यहाँ पर ये एज अ सॉलिबलाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, अब ये तो कर सकते हैं, ये तो एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन है, हमने मेन चीज देखना है क्राउन ईथर का वर्क। यहाँ पर को क्या है, क्राउन ईथर की वजह से क्या हो रहा है, एस्टरीफिकेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर को एज अ सॉलिबलाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ये देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर को ये है हमारा 18 क्राउन 6, 18 जो है वो हमेशा सिर्फ पोटेशियम के साथ, मैंने ऊपर बताया ना सिर्फ पोटेशियम के साथ, पोटेशियम आयन के साथ बॉन्ड करता है, तो यहाँ पर को पोटेशियम क्राउन करके लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्राउन ईथर का यूज होता है, तो यहाँ पर लिखा है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन अंडरगोज अ सब्स्टिट्यूशन विद द मिथॉक्साइड टू गिव ए 2-मिथॉक्सी-क्लोरो-बेंजीन-9,2-क्लोरो-एनिसॉल। ओके, तो ये याद करना है। यहाँ पर लिखा है हेयर मेटा आइसोमर कैन बी ऑब्टेन बिकॉज इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका यूज क्या होता है, ये यहाँ पर को मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर को इसकी प्रेजेंस लिख देना, यहाँ पर को क्राउन ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, तो ये है हमारा क्राउन ईथर। ठीक है, तो हमने क्राउन ईथर पे क्या क्या देख लिया, हमने एप्लीकेशंस देख ली, इसकी रिएक्शंस देख ली, देन हमने इसका नॉमेनक्लेचर देखा, देन हमने इसके पॉइंट्स देखे, और हमने लास्ट में था इसका डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारा क्राउन ईथर, होप समझ में आया हो आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए। तो प्रीवियस वीडियोस भी देखते हुए चलना, सीरीज से पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्प होगा, चीजों को समझते हुए पढ़िए। तो वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा क्रिप्टिन्स पे रहने वाली है, जो कि क्राउन ईथर से रिलेटेड ही है, मतलब उससे मिलती जुलती है, और क्रिप्टिन में हम लोग क्राउन ईथर और क्रिप्टिन्स के बीच में डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।